देश के हालात का व्याख्यान उनके सामने किया और जिस प्रकार प्रदेश कर्जे के नीचे दबा है और कर्जा चुकाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। पिछली भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश पर इतना कर्जा चढ़ा दिया है, हमने उनके पास वो बात रखी। हमने कहा कि जो पानी है वो हिमाचल प्रदेश की संपदा है, उस पर अगर हम कोई सेस लगाते हैं कोर्ट उसको स्टे कर देता है। हमारे पास जंगल है, अगर हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स हैं, अगर हम जंगल काटने की परमिशन देते हैं तो हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस संदर्भ में भी हमें उपेक्षा होती है। हमने पूरी तरह जंगलों पर 68% हमारी फॉरेस्ट लैंड है उस पर बैन लगा रखा है, उस मामले को भी आप ध्यान में रखिए। और जो RDG रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमें मिल रही है वो इस वर्ष सिर्फ 3,000 करोड़ के करीब रह गई है। उससे पहले पिछली जो सरकार थी उस समय 10-10 हज़ार करोड़ रुपये आती थी, अब सिर्फ 3,000 करोड़ रुपया रह गई है। और भी कई मुद्दे हैं जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन में रखे हैं, उस प्रेजेंटेशन की कॉपी आपको दे देंगे। हमने कहा कि हमारा RDG ग्रांट का दायरा बढ़ना चाहिए, 41% जो टैक्सेस में हम स्टेट्स के बीच बढ़ते हैं उसमें हिल स्टेट का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। हिल में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा आती है, पैमाने प्लेन इलाके के नहीं चलेंगे, पहाड़ में कुछ और बात होती है, इस संदर्भ में हमने बात की है। और मेरा मानना है कि हमने सभी बातों को गंभीरता से रखा और इस पर जल्दी ही आने वाले 1-1.5 साल बाद जब फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देगा तो उसमें यह बातों का ध्यान रखेगा। डिजास्टर के लिए सर कोई फिक्स ग्रांट इस तरह की भी डिमांड नहीं? आपदा के समय हमने कहा कि आपदा में जो SDRF है, NDRF के तहत जो डिजास्टर का पैमाना है वो प्लेन इलाके की तरह नहीं चल सकता, पहाड़ के अलग डिजास्टर होते हैं। उड़ीसा में अगर साइक्लोन आता तो उसका कुछ और अलग है, पर हिमाचल में अगर लैंडस्लाइड्स होता तो उसका कुछ और अलग है। तो ये सब चीज़ें हमने उनको बताई और अब देखते हैं उसके बाद। अभी पूरे राज्य इसमें औद्योगिक पैकेज नहीं होता। हाँ जी, रिस्पॉन्स क्या है फाइनेंस कमीशन का? नहीं, आपकी डिमांड्स को कंसीडर करेंगे वो फाइनेंस 15-16 फाइनेंस कमीशन अभी तो पूरे राज्य में जाएगा, 1-1.5 साल बाद इसकी जब रिकमेंडेशन जाएगी तो उस रिकमेंडेशन में देखते क्या मिलता है। धन्यवाद।